आज का युग पूरी तरह डिजिटल हो चुका है, ऐसे में अगर आपको किसी को मनी ट्रांसफर करनी हो तो इसके लिए भी डिजिटल ऑप्शंस उपलब्ध है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या UPI बेस्ड ऐप से लेकर मोबाइल बैंकिंग तक कई अलग अलग तरीकों से बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट आसानी से पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अक्सर लोग ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के दौरान जल्दबाजी कर जाते हैं और ऐसे में कई बार वे गलत खातों में अपनी मेहनत की कमाई ट्रांसफर कर बैठते हैं। हालांकि ऑफलाइन पैसा ट्रांसफर करते समय भी लोग गलती कर बैठते हैं। ऐसा होने पर आप एकदम टेंशन में आ जाते हैं और समझ नहीं पाते कि कैसे आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाए। चलिए हम आपको बताते हैं कुछ आसान तरीके जिन्हें यूज कर आप गलती से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हुए अपने पैसों को वापस पा सकते हैं। नंबर 1, संबंधित व्यक्ति से पुष्टि करें। सबसे पहले जब आप किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो उस व्यक्ति से फौरन बात करें और पुष्टि कर ले कि उसके अकाउंट में पैसे पहुंचे या नहीं। ऐसे करने पर अगर उस व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे आ गए हैं तो आपने सही ट्रांजेक्शन किया है। वही अगर पैसे नहीं पहुंचे तो चेक करें कि आपने पैसे किस अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। नंबर 2, बैंक को लिखित में बताएं। अगर आपसे पैसे ट्रांसफर करते समय गलती से किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं तो सबसे पहले आपको इस बारे में अपने बैंक को लिखित में बताना चाहिए और ट्रांजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। इसमें ट्रांजेक्शन की तारीख, समय, अपना अकाउंट नंबर और जिस अकाउंट में आपने गलती से पैसे ट्रांसफर किए हैं, इन सब की पूरी डिटेल्स लिखे। नंबर 3, ब्रांच मैनेजर से मिले। कई बार गलत अकाउंट नंबर या IFSC कोड के कारण आपने जो पैसे ट्रांसफर किए हैं वो खुद ही आपके अकाउंट में वापस भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ वक्त जरूर लग सकता है। वही अगर आपके अकाउंट में पैसे वापस नहीं आए हैं तो आप अपने बैंक की ब्रांच में जाए और वहां ब्रांच मैनेजर से मिलकर यह पता करने की कोशिश करें कि आपके द्वारा गलती से किस बैंक के खाते में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। ऐसे में अगर ये गलत ट्रांजेक्शन आपके ही बैंक के किसी ब्रांच से हुआ है तो उस स्थिति में आसानी से आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। नंबर 4, ऐसे मिल सकती है वापस रकम। बता दें कि अगर आपसे गलती से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में पैसे वापसी में थोड़ा समय लग सकता है। कई बार ऐसे मामलों के समाधान में बैंक 2 महीने तक का समय लगा देता है। बहरहाल आपको अपने बैंक से ये मालूमात करनी चाहिए कि किस शहर की किस ब्रांच के किस अकाउंट में मनी ट्रांसफर हुए है। ऐसा करने पर आप भी अपने पैसों की वापसी की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 5, RBI ने दिए है कड़े निर्देश। वैसे जब भी आप अपने बैंक अकाउंट से किसी और के अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपको एक मैसेज जरूर डिलीवर होता है। इस मैसेज में साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि यदि ट्रांजेक्शन गलत है तो कृपया इस मैसेज को इस नंबर पर भेजें। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी निर्देश दिए हुए हैं कि यदि गलती से पैसे किसी दूसरे के अकाउंट में जमा हो जाते हैं तो आपके बैंक को इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी। बैंक आपके पैसे को गलत अकाउंट से सही अकाउंट में वापस लाने के लिए जिम्मेदार है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।